तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं घर का एकदम देसी खाना हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्याज, छाछ, राबड़ी, दही, रोटी, चटनी, सब कुछ एकदम देसी ही देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे खाना है। घर वाले जो हैं वो सब बैठ के बातें कर रहे हैं, कर लेते हैं घर का टूर। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और खुला एरिया यहाँ पे है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। देख सकते हैं घास वगैरह, गार्डन वगैरह सब एकदम रेडी हालत में, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम आए हैं पंकज के फ्रेंड के घर पे। तो ये जो हैं ये हमारे घर के बराबर ही हैं, घर वाले ही हैं आप मान सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इनके खेत वगैरह हैं, ये इनके घर हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अच्छे नींबू के पेड़ भी हमें देखने को मिल रहे हैं। दिखाती हूँ आपको नींबू कैसे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ नींबू तोड़े हैं पेड़ पे से ही, काफ़ी अच्छे जो हैं मोटे मोटे बड़े बड़े नींबू हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देख लीजिए काफ़ी सारे नींबू के पेड़ हैं, एक दो पेड़ नहीं है, काफ़ी तीन चार पेड़ हैं। ये आप देखें तो खेत देख लीजिए, अभी कुछ खेती वगैरह हुई नहीं है क्योंकि अभी जो है लावणी हुई ही है। ये आप घर देख सकते हैं, घर भी काफ़ी अच्छा और बड़ा इन्होंने अपना बना रखा है, काफ़ी एरिया में बनाया हुआ है घर भी। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है ये इनका ही एरिया है। यहाँ पे जो है हम लोग फली तोड़ने आए हैं, छोटी छोटी बच्ची आप देख सकते हैं, जो छोटी बच्ची है ये यहाँ पे आप देखें, माँ पंकज वगैरह सब बैठ बात कर रहे हैं। हम आए हैं खेत में फली तोड़ने के लिए, ये भैया जो हैं ये भी हमारी हेल्प करने आए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं खेत। तो फाइनली यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है और बच्ची जो है वो शिवा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, बोल रहे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। शिवा भी बिल्कुल भी रेडी नहीं है जाने के लिए। तो दोबारा मिलेंगे इनसे। थैंक यू। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना।